इस वीडियो में मैं आपको 3 डिजिट स्क्वायर करने की जो है ट्रिक बताऊंगा, यानी कि 3 संख्याओं का वर्ग करने की सबसे आसान ट्रिक बताऊंगा। यानी कि इस ट्रिक से आप 101 से लेकर 999 तक का स्क्वायर जो है बड़ी आसानी से जो है आप निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जो है 3 डिजिट का स्क्वायर करने के लिए हमको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि इसका जो स्क्वायर है वो हम बेस मेथड से निकाला जाता है। यानी कि बेस मेथड क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं आपको, हमें बेस जो होते हैं बेस याद करने पड़ते हैं। बेस मेथड से जो है 3 डिजिट का स्क्वायर जो है निकाला जाता है। दोस्तों इससे पहले मैंने 2 डिजिट का स्क्वायर करने की ट्रिक का वीडियो जो है अपलोड कर दिया है, उसे आप जरूर देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जैसे कि 100, सबसे पहले हम 100 से लेकर और 900 तक का जो है हम बेस याद करेंगे। यानी कि यहाँ पर हमने 100 का बेस क्या हो जाएगा हमारा, हम 1 लिखेंगे, 100 का बेस हम 1 लिखेंगे। इसी तरीके से हम 200 का बेस हम 2 लिखेंगे। इसी तरीके से हम 900 तक जो है बेस लिख लेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पर सभी के बेस जो है लिखूंगा, 100 से लेकर 900 तक जो है बेस लिखूंगा। 100 का बेस हम 1 लेते हैं, उसके बाद में हम 150 का बेस हम लेते हैं 3/2, उसके बाद में 150 के बाद में 200 का बेस हम 2 लेंगे, उसके बाद में 250 का बेस हम क्या लेंगे, 5/2, उसके बाद में हम 300 का बेस हम 3 लेंगे। इसी तरीके से हम 900 तक जो है हम बेस जो है लिख लेंगे। 350 का बेस जो होगा हमारा वो 7/2 होगा, उसके बाद में 400 का बेस 4 होगा, उसके बाद में 450 का बेस हमारा जो होगा 9/2 होगा, उसके बाद में 500 का बेस 5 होगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है हम 100 से लेकर और 900 तक जो है हम बेस लिख लेंगे। दोस्तों जैसे कि 100 का बेस 1 है, 150 का 3/2, 200 का 2, 250 का 5/2, 300 का 3, इसी तरीके से हम इनको 950 तक जो है लिख लेंगे। दोस्तों बेस याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम इनको 100 से भाग दें तो 100 से भाग देने पर जो हमारा आंसर आएगा वही इसका बेस होगा, तो इसको रटने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि 350 है तो इसे अगर हम 100 से डिवाइड करें तो 3.5 आएगा, यानी कि 3.5 आएगा। तो 3.5 को हम 7/2 के रूप में लिखेंगे, 3.5 ना लिखकर। तो 100 से डिवाइड करके आप ये जो है निकाल सकते हैं, इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो है हम 3 डिजिट का स्क्वायर जो है करते हैं, तो सबसे पहले मैं कोई एक संख्या ले लेता हूँ, जैसे कि मैं संख्या ले लेता हूँ 102। 102 का हमें स्क्वायर करना है और आप इसमें देख रहे हैं 3 डिजिट है, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले क्या करिए, एक ऑब्लिक का साइन लगा लीजिए, इस तरह से ऑब्लिक का साइन लगा लीजिए। उसके बाद में आप देख रहे होंगे कि इसमें हम बेस कितना माने, 100 मांगे, यानी कि जिस बेस के ये आसपास होगा हम वही बेस क्या करेंगे मान लेंगे। तो हम जैसे कि क्या करें, इसमें हम +2 करेंगे तभी तो ये 100 में +2 करेंगे तभी तो ये 102 होगा। तो हम ये जो ऐड कर रहे हैं इसी का क्या करेंगे, हम स्क्वायर जो है ऑब्लिक के इस तरफ लिखेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होगा, 04 लिखेंगे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 2 डिजिट लिखेंगे। उसके बाद में क्या करते हैं हम, अब क्या करते हैं, इसका हमने स्क्वायर करें, जो हम जोड़ते हैं या घटाते हैं उसी का स्क्वायर करते हैं। अब हम क्या करेंगे, 102 में अगर हम 2 जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 104 क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब हम 104 आ गया है, इसमें हमने बेस क्या माना था, 1, यानी कि 100 माना था। अगर हम 100 के बेस यानी कि 1 होता है, अगर 1 से हम गुणा कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वही आएगा, यानी कि 104। उसके बाद में हम ये 04 लिख देंगे, यही स्क्वायर निकल कर आएगा। आप निकाल कर भी देख सकते हैं, मल्टीपल 102 का मल्टीपल करके जो है आप देख सकते हैं, यही स्क्वायर निकल के आता है। उसके बाद में हम कुछ और भी संख्याओं का स्क्वायर करेंगे, जैसे कि हम नेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे कि 909 का स्क्वायर हम करते हैं, इसमें भी 3 डिजिट हैं, तो हम इसमें बेस क्या मानेंगे, जिस बेस के ये आसपास होगा, यानी कि 900 के ये आसपास है, यानी कि हमें अगर 900 में 9 जोड़कर ही तो ये 909 आएगा। तो इस तरह से ऑब्लिक का हम साइन फिर से लगा लेंगे, ऑब्लिक का साइन लगा लिया, उसके बाद में जो जोड़ रहे हैं उसी का स्क्वायर करेंगे, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 918 हो जाएगा।
918 हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने बेस माना था, बेस कितना माना था 900, और 900 का बेस कितना होता है 9, यानी कि हम इसकी 9 से क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। तो आप जब इसका मल्टीपल करेंगे 9 से, तो आपका फाइनल निकल कर आएगा 82, 62 और 81। आप इसका मल्टीपल करके देख लीजिए, यही निकल कर आएगा, यानी कि इतना निकल कर आएगा। और 81 क्या है, हमने इस तरह से ये यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो कुछ और भी संख्याओं को हम लेते हैं, अगली संख्या हम ले लेते हैं, जैसे कि हम अगली संख्या ले लेते हैं 164, यानी कि 164 का स्क्वायर क्या करेंगे, हम करेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले बेस देंगे, देखेंगे कि ये किस बेस के आसपास में है। तो मुझे लग रहा है ये 150 के आसपास में है। तो 150 में हम कितना जोड़ना पड़ेगा कि 164 हो जाए, यानी कि मुझे लग रहा है कि 14 जो है हमें प्लस करना पड़ेगा 150 में, तभी ये 64 हो पाएगा 164। तो हम जोड़ते हैं, या जो हम जोड़ते हैं या जो घटाते हैं उसी का हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। उसके बाद में आप देख रहे हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसी को इसमें क्या करते हैं, जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं। तो यहाँ पर प्लस है तो हम जोड़ेंगे, तो 164 में जब हम 14 जोड़ेंगे तो ये हमारा 178 हो जाएगा। 178 हो जाने के बाद में हम क्या करेंगे, इसका बेस जो हमने लिया था उससे क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। यानी कि बेस हमने 150 माना था, तो 150 के कितना होता है बेस, 3/2 होता है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, 2 से क्या कर देंगे, कट कर देंगे। यहाँ पर ये 89 से कट हो जाएगा। अगर 89 की हम 3 से गुणा कर देते हैं तो हमारा आएगा 267/196। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ नया आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे थे, हमने यहाँ पर स्क्वायर किया था तो ऑब्लिक के बाद में केवल 2 डिजिट आ रहे थे, यानी कि ऑब्लिक के बाद में 2 संख्याएं ही आ रही थी, तो हम उसको वैसे ही लिख देते हैं। लेकिन अगर 3 संख्याएं आएंगी तो हम ये जो ये वाली संख्या होगी इसको हम क्या कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, 7 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। उसके बाद में क्या कर देंगे, वैसे ही वैसे लिख देंगे, और हमारे इधर कितना था, 9 और 6। इस तरह से जो इसका स्क्वायर है इतना निकल कर आएगा। उसके बाद में हम कुछ और भी संख्या, एक संख्या और ले लेते हैं, एक और संख्या हम ले लेते हैं, जैसे कि हम अगली संख्या हमने ले लेते हैं, जैसे कि 897। 897 क्या करते हैं, हम ले लेते हैं 897 का हम स्क्वायर करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें बेस देखेंगे कि ये किस बेस के बिल्कुल नज़दीक पड़ रहा है। तो हमें लग रहा है कि ये 900 के जो है बिल्कुल आसपास में है, यानी कि 900 में से हमें 3 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तब हमारा क्या होए 897 आ जाएगा। तो हम जो जोड़ते हैं या घटाते हैं उसी का हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होगा, 09 लिखेंगे, ये याद रखना है। उसके बाद में क्या कर देंगे, अब यहाँ पर माइनस है तो 97 में से हम 3 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, तो 97 में से 3 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 894 आएगा। तो 894, अब हमने इसमें बेस कितना माना था, 900 माना था, तो 900 का बेस क्या है, 9 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो हमारा जब 9 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 80 और 46 आएगा। उसके बाद में ये 09 हम क्या कर देंगे, ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि इसमें क्या है, 2 डिजिट है ऑब्लिक के बाद में, तो हम सीधे लिख देते हैं। अगर ऑब्लिक के बाद में 3 डिजिट आते हैं तो हम जो है ये तीसरी वाली संख्या को यहाँ पर जो है इसकी लास्ट वाली में ऐड करके जो है लिख देते हैं, बाकी सब वैसे ही लिख देते हैं। तो ये इसका स्क्वायर निकल कर आ गया है। इसके बाद में जो दोस्तों है, मैं आपको कुछ अन्य महत्वपूर्ण संख्याओं का वर्ग करने की ट्रिक बताऊंगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, जैसे कि अगर जिस संख्या में केवल और केवल 3 ही 3 हो, केवल और केवल 3 ही 3 संख्या हो, तो हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर किस ट्रिक से निकलता है। जैसे कि आप 33 का स्क्वायर अगर आप निकालेंगे ट्रिक से, 2 डिजिट का स्क्वायर की ट्रिक लगाएंगे, तो इसका निकल कर आएगा 10/89 जो है इसका निकल कर आता है। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 10 और 89 निकल कर आया है 33 का, इसमें 3 कितनी बार है, 2 बार। तो यहाँ पर 1 और 8 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, यानी कि फर्स्ट डिजिट और ये थर्ड डिजिट। अब हम अगर क्या कर दें, 3 को हम क्या कर दें, 3 बार कर दें, तो इसका स्क्वायर क्या निकल कर आएगा, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट है और थर्ड डिजिट है, यानी कि यहाँ पर 3 जो 3 बार है, तो हम 1 को क्या करेंगे, 2 बार कर देंगे,
जीरो रिपीट नहीं होगा, एट दो बार लिख देंगे और नाइन भी रिपीट नहीं होगा, यानी कि जो फर्स्ट और थर्ड डिजिट है वही रिपीट होगा। तो इस तरह से थ्री डिजिट का स्क्वायर आप जो है निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए मैं दे देता हूँ, चार दे दिए हैं, इसका आप निकाल कर देख सकते हैं। इसी तरीके से पाँच छः जितनी भी हो आप फर्स्ट और थर्ड को ही रिपीट करेंगे। उसके बाद में हम देख लेते हैं जिन संख्याओं में केवल और केवल नाइन और नाइन ही हो तो उनका स्क्वायर कैसे हम करते हैं। इसका भी एकदम सिंपल ट्रिक होती है। इसका अगर टू डिजिट का हम अगर ट्रिक लगाएंगे तो इसमें जो हमारा आएगा ये 98 और 01 आता है, 98 01, यानी कि फर्स्ट डिजिट और थर्ड डिजिट इसमें भी देखना है। तो अगर हम क्या कर दें, नाइन को तीन बार लिख लें तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, तो यहाँ पर दो बार था तो यहाँ पर 9 1 बार आया था, 0 1 बार, यहाँ पर 9 3 बार है तो यहाँ पर 9 कितनी बार आ जाएगा, 2 बार, 8 रिपीट नहीं होगा, यहाँ पर 0 रिपीट होगा और ये 1 आ जाएगा। इसी तरीके से हम आपको चार संख्याओं का दे देते हैं, ये 9 है, 4 बार 9 लिख लेते हैं, इसका भी स्क्वायर आप इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, यानी कि फर्स्ट और थर्ड डिजिट ही क्या करेगा, रिपीट होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद बस आज के वीडियो में जो है बस यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।